वेलकम टू माई वॉइस प्रेजेंटिंग द ह्यूमन सेंटीपेड पार्ट 3। कहानी शुरू होती है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी जिसका नाम द ह्यूमन सेंटीपेड है वो टीवी पर चल रही होती है। बिल जो कि एक जेल का वार्डन होता है और बटलर नाम का आदमी उसका अकाउंटेंट होता है। बटलर अपने बॉस को ये मूवी दिखाता है जो कि उसे ज़्यादा खास नहीं लगती। बिल की सेक्रेटरी उसे कहती है कि उसे द ह्यूमन सेंटीपेड काफ़ी पसंद आई, लेकिन बिल उसे इस वजह से काफ़ी डांटता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल बिल एक साइकोपैथ आदमी था और अपने जेल के कैदियों को संभाल नहीं पाता था। दरअसल जेल के कैदी बिल की ज़रा भी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए उन पर अपना डर बैठाने के लिए बिल उन पर जुर्म करता था। बिल का फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि जेल के एक कैदी ने उसके जूनियर ऑफिसर पर हमला कर दिया है। इस पर बिल लॉकअप एरिया में जाता है। रास्ते में अकाउंटेंट बटलर उसे बताता है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं और अगर यहाँ के कैदी ऐसे ही वायलेंस यानी कि आपस में लड़ते रहे तो उनका मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी भी ना रहे। लेकिन बिल उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो लॉकअप एरिया में पहुँचता है तो कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो अपना सारा गुस्सा उस कैदी पर निकाल देता है जिसने उसके जूनियर पर हमला किया था। वो उस कैदी का हाथ बहुत बुरी तरह से मोड़ता है जिस वजह से उस कैदी का हाथ टूट जाता है और उसकी एल्बो यानी कि कोहनी की हड्डी बाहर आ जाती है, जिस पर वो कैदी जोर जोर से चिल्लाता है। इस वजह से बाकी के कैदी बिल को गालियाँ देने लगते हैं और उसके लिए बहुत बुरे वर्ड्स बोलने लगते हैं। बिल अपने ऑफिस में आ जाता है और अपनी बेइज्जती की वजह से बहुत परेशान होता है और वो कैदियों को सज़ा देने के लिए नए नए तरीके सोचता है। वो सोचता है कि उनको उल्टा लटकाकर उनके जिस्म पर कीड़े छोड़ दिए जाएँ, लेकिन बटलर उसे फिर से एक बार याद दिलाता है कि कैदियों के मेडिकल ट्रीटमेंट पर बहुत पैसा खर्च हो चुका है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस में बिल का अफ्रीका से मंगवाया हुआ पार्सल लेकर आती है। उस पार्सल में एक ऐसी अजीब सी चीज़ थी जिसको खाने के बाद बिल खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है। दूसरी तरफ बिल का फ़ोन बजता है और उसे कोई फ़ोन पर धमकियां देता है। पहले तो बिल बहुत डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि एक कैदी का काम है। बिल कैदी का पता लगवाकर उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर बहुत ज़्यादा गर्म पानी की 3 बाल्टियाँ उसके मुँह पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल जाता है और उसकी स्किन उस कपड़े पर चिपक जाती है जो बिल ने उसके मुंह पर लगाया था। इस बात की खबर जब गवर्नमेंट को पता चलती है तो एक गवर्नर बिल को धमकी देता है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तब तक सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे नौकरी से हटा देंगे। ये कहकर वो चला जाता है। उनके जाते ही बिल को बहुत गुस्सा आता है और वो सब कैदियों को बाहर यार्ड में बुलाता है और उनमें से एक कैदी को जेल में ले जाकर गर्म चाकू से उसके जिस्म के कुछ हिस्से निकाल लेता है और उसे लंच के लिए पकवाने भेज देता है। सरप्राइजिंगली लंच में वो वही खाता है। इसके बाद बिल जेल के हॉस्पिटल में राउंड के लिए जाता है और उसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर बिल ने गर्म पानी डाला था। उसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए बिल उसके चेहरे से पट्टी खींच लेता है जिस वजह से उसकी स्किन फिर से खिंच जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। शाम को बिल बटलर से बातें करता है कि कैदियों को और किस किस तरह से टॉर्चर किया जाए कि वो मुझसे डरने लगे। बटलर उसे कहता है कि क्यों ना हम उन कैदियों को द ह्यूमन सेंटीपेड मूवी की तरह ह्यूमन सेंटीपेड में बदल दें और उनके होठों को उनकी बैग से सी दिया जाए, जिसकी वजह से कोई भी कैदी आइंदा से डिस्टर्बेंस नहीं फैलाएगा और उनके खाने और मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी पैसे नहीं लगेंगे। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि सब कैदी अपने घुटनों यानी कि नीस पर रहेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो बटलर की इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल देता है। बिल कैदियों के इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और शराब पीता रहता है। रात को उसको ख्वाब आता है कि सब कैदियों ने उस पर हमला कर दिया है और जेल के सभी कैदी मिलकर उससे बदला ले रहे होते हैं। इस ख्वाब के बाद वो बहुत डर जाता है और फौरन द ह्यूमन सेंटीपेड के डायरेक्टर से मिलने का कहता है। वो फौरन बिल से मिलने को आ जाता है। बिल जेल के डॉक्टर के साथ उस डायरेक्टर से मीटिंग करता है और पूछता है क्या सच में ह्यूमन सेंटीपेड बनाया जा सकता है। इस पर वो जवाब देता है कि हाँ, मेडिकली तो ये पॉसिबल है और ये कि उसने एक हॉस्पिटल में बात की हुई है जहाँ ऐसा हो सकता है। वो इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है तो वो कहता है कि मेडिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन इससे इन्फेक्शन का खतरा भी है। इसके लिए तमाम कैदियों को न्यूट्रिशन और विटामिन के इंजेक्शन दिए जाएँ तो ये 100% पॉसिबल है। ये सुनकर बिल फौरन तैयार हो जाता है। बटलर कहता है कि कैदियों के दांत ना निकाले जाएँ और एक ट्यूब उनके मुंह में डाला जाए जिसके जरिए अगले बंदे का वेस्ट मटेरियल उसके मुंह में जाए और उनके होठों को सी दिया जाए और उनके घुटनों से लेगमेंट्स को निकालने के बजाय वहाँ इंजेक्शन लगाकर कुछ वक्त के लिए उन्हें पैरालाइज कर दिया जाए और उनकी बैक स्किन को उखाड़ने की बजाय वहाँ लेदर स्ट्रैप लगाए जाएँ ताकि जब उनको छोड़ा जाए तो उन पर किसी किस्म का निशान ना रह जाए।
बिल राज़ी हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे कॉन्सेप्ट को एक शर्त पर यूज़ कर सकते हो कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। बिल उसे ऑपरेशन इंचार्ज बना देता है। बिल अपनी सर्जिकल टीम को बुला लेता है क्योंकि जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है। बिल सोचता है कि क्यों ना ये फिल्म कैदियों को दिखाई जाए। उसके बाद वो इन सब के साथ होने वाले ऑपरेशन का बताएगा ताकि उनके जहन में बिल का खौफ बैठ जाए। लेकिन सब कैदी डर जाते हैं और वो बिल पर ही हमला कर बैठते हैं। बिल को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सभी कैदी बिल के ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन बिल वहाँ से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही सारे कैदी बिल की सेक्रेटरी पर हमला करके उसे मार देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस फोर्स वहाँ पर आती है और कैदियों को वापस जेल में डाल देती है। बिल अपनी बेहोश करने वाली गन लेकर आता है और सब कैदियों को बेहोश कर देता है और ह्यूमन सेंटीपेड बनाने के लिए कहता है। डॉक्टर के मुताबिक ह्यूमन सेंटीपेड में फिट नहीं हो रहे होते। वो बिल को उन्हें चेक करने के लिए बुलाता है। उनमें से एक पेशेंट ऐसा भी होता है जिसे स्टोमा है और वो अपना बेस पेट में बने एक आर्टिफिशियल होल से निकालता है। बिल उसी होल में अपनी गन डालकर उसे मार देता है और सारे ऐसे लोगों को मारता है जो ह्यूमन सेंटीपेड में फिट नहीं हो रहे थे। अब सेंटीपेड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी होती है। डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। वो इस ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने देखता है, जो बहुत अजीब था। फिर बिल उसे कुछ और दिखाता है जो सेंटीपेड से भी बढ़ के खौफनाक था। कुछ कैदियों के हाथ और पाँवों को उनकी बॉडी से काटा जा रहा था, जिसे देखकर टॉम को उल्टियाँ आने लगती हैं। कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपेड बन जाता है। तभी गवर्नर जेल में हो रहे वैलेंस को चेक करने आता है, लेकिन बिल उन्हें अपना ह्यूमन सेंटीपेड दिखाता है जो कि ग्राउंड में चारों तरफ फैला हुआ होता है, जिसे देखकर गवर्नर हैरान रह जाता है। लेकिन बटलर उन्हें समझाता है कि इस तरह की सज़ा से उनका काफ़ी पैसा बचेगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें संभालना भी नहीं पड़ेगा और ना ही सारी ज़िंदगी ये लोग कोई क्राइम करने के बारे में सोचेंगे। उसी दौरान बटलर देखता है कि बिल की सेक्रेटरी को भी सेंटीपेड का हिस्सा बना दिया गया था, जिसे पहले मरा हुआ बताया गया था, लेकिन बिल इसे जेंडर टेस्ट कहकर टाल देता है। अब बिल गवर्नर को उन कैदियों के पास ले जाता है जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। ये वही कैदी थे जिनके हाथ और पांव काट दिए गए थे और उन्हें बिना हाथ पैर वाले सेंटीपेड में तब्दील कर दिया गया था। फिर बिल गवर्नर से कहता है कि जिन कैदियों की सज़ा पूरी हो जाएगी उन्हें सेंटीपेड से हटा दिया जाएगा और उनके होठों और पैरों पर चोट के निशान के अलावा कुछ नहीं होगा। गवर्नर बिल के इस जुर्म की वजह से उसे सजाए मौत सुनाकर चला जाता है। बिल गुस्से में आकर जेल के डॉक्टर और बटलर को मार देता है। कुछ देर बाद गवर्नर फिर आता है और कहता है कि उसका आइडिया काफ़ी अच्छा है और फिर बिल मैदान में जाकर यानी कि सभी कैदियों के बीच जाकर खुशी से ज़ोर से चिल्लाता है और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसके बाकी के पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम फिर से मिलेंगे वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।